लगातार हो रही गोलाधार बारिश की वजह से मार्केटों की हालत भी खराब पड़ी हुई है, जिसकी वजह से दुकानदारों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। बारिश से होती जा रही मार्केट की दुकानदारी बिल्कुल ठप। पानी की वजह से दुकानों के अंदर पानी भर जाने से और दुकान के बाहर रोड़ों पर गड्ढे में गंदगी भरने से ग्राहक दुकान पर नहीं आ पाते हैं, जिस कारण हमें दुकान खोलने को भी सोचना पड़ रहा है और बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि कई दिनों से लगातार हो रही गोलाधार बारिश अब थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से मार्केट में दुकानदारी और रोड पर फड़ लगाने वाले छोटे छोटे दुकानदारों की दुकानदारी बिल्कुल ठप हो गई है। बारिश के लगातार बरसने की वजह से रोडों पर पानी भर जाता है और गड्ढों में गाड़ियां भी फंस जाती हैं, जिनकी वजह से ग्राहक दुकानों पर नहीं आ पाते हैं। हम लोग भी अगर दुकान खोलें तो किसके भरोसे खोलें। हम लोगों की बारिश भरे मौसम से हालात खराब हो रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों का क्या होगा। अगर दुकान पर आने के बाद भी दुकानदारी नहीं होगी तो हम अपने पूरे दिन का खर्चा कैसा निकालेंगे। आप लोग देखिए, ना कस्टमर की गाड़ी आ पा रही है, ना कोई चल फिर पा रहा है। कितनी गंदगी और कीचड़ लगी पड़ी है, सारा माल भीगा हुआ है। लाखों का नुकसान हो रहा है, सारा माल भीगा हुआ कीचड़ में। माल रखने की जगह नहीं है, ना निकासी है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, गाड़ियाँ भी खराब बंद पड़ जाती हैं। कल गाड़ियों में पानी भर गया था, बहुत नुकसान हो रहा है। नगर निगम सफाई कर्मचारी कोई भी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर रहा, उसकी वजह से दुकानदारी पर फर्क पड़ रहा। दुकानदारी हमारी भी ठीक हो रही, आप देखिए वहाँ भी आप फोटो देखिए कितनी गंदगी ढेर। कैसे कस्टमर आएगा, होलसेल मार्केट है। इस बारिश की वजह से यहाँ के दुकानदारों को बहुत नुकसान होता है। क्यों कि जब हम लोग रात को घर चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जब पानी आता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बिजली घर के चारों तरफ पानी भर जाता है। उस पानी से हम यहाँ आ नहीं सकते अंदर। इस वजह से ना हम अपने ताले खोल सकते हैं, ताले खोलेंगे तो हमारा माल बह जाएगा, इसलिए ताला ना खोलना ही बेटर समझते हैं। पर जितना नुकसान होता है बहुत होता है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया नगर निगम में शिकायत करते हुए, करीब 20 साल हो गए, और हर 20 साल के अंदर हर साल पानी यहाँ आता है, पर नगर निगम की कान पे जू तक नहीं रेंगती। यहाँ के नाले भरे होते हैं, कोई सफाई नहीं होती है, मार्केट में पानी भर जाता है तो उसकी कीचड़ यहाँ से नहीं उठाते। पता नहीं क्या इनके दिमाग में है, हमारी समझ से बहुत दूर है। ये क्या करते हैं, इनके अधिकारी क्या करते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये नाले साफ नहीं हो पा रहे हैं। दुकानदारी पर कितना फर्क पड़ा इस चीज़ को लेकर? बहुत फर्क पड़ा। इस समय कोई ग्राहक नहीं है, आप देख रहे हो मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ, और मेरी दुकान पे जो करीब 10:30 बजे खुली है और 1:30 बज रहा है इस समय। 1:30 बजे तक तो कोई ग्राहक नहीं आया है, क्योंकि ये बारिश की वजह से ग्राहक नहीं आ रहा है बाजार में, और हम चुपचाप बैठे हुए क्या करें। दुकान के खर्चे इतने हैं कि बेहद, अब कहाँ से निकाले जाएँ। अपना घर का खर्चा निकालें, दुकान का खर्चा निकालें, क्या निकालें बताओ। भैया मंडे से क्लाइमेट देखिए बदल चुका है। रामबरात जिस दिन थे उस दिन से आप देखें कितनी दिक्कत हो रही है। राम जी जब जिस दिन रामबरात थी उस दिन से कीचड़ भर रही है, पानी भर रहा है, 3 दिन से बिल्कुल दिक्कत हो रही है। परसों मैंने वैसे दुकान नहीं खोली, चक्कर है क्योंकि पानी भर रहा, कीचड़ इतनी होती, कोई निकास नहीं, कोई विकास नहीं, दुकान पूरी खाली करके रखी, ग्राहक आ नहीं पाता। दहशत में क्या करें उसको बताइए आप। 3 दिन से बारिश पड़ने लगा था, 3 दिन बाद से परसों भी बारिश पड़ेगी, कल भी बारिश पड़नी है। अभी मानसून बता रहा है, जो क्लाइमेट बता रहा है उस हिसाब से इंसान कोई खुश नहीं है, व्यापार बिल्कुल स्थिति खराब हो चुकी है। वहीं मार्केट के दुकानदारों ने बारिश की वजह से हो रही परेशानियों के बारे में बताया और कहा कि बारिश की वजह से मार्केट के अंदर तक पानी भर जाता है और गड्ढों में गंदगी भर जाती है, जिसकी वजह से ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आ पा रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट।